वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वैसे आज आपको बता दें, नागिन सीजन 3 में आपको देखने को मिलने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब तामसी है यहाँ पर मिहिर से हद से ज्यादा प्यार करने लग गई है और मिहिर को पाने के लिए कुछ भी करेगी। ये ऐसी बात आप सुनेंगे आज के आने वाले एपिसोड में, लेकिन रुकिए, अभी आपको ट्विस्ट देखना बाकी है। अब आखिर में तामसी कैसे यहाँ पर मिहिर को पाना चाहेगी, तो चलिए आपको बता देते हैं। मिहिर को यहाँ पर पाने के लिए मिहिर को ही तामसी डस लेगी। अब आप बोलेंगे कि तामसी कैसे डसेगी, वो तो नागिन तो है नहीं। तो आपको बता दें, तामसी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसके अंदर बहुत भरपूर रूप से भरी पड़ी हैं। यानी कि यहाँ पर वो नागिन की बच्ची है, यानी वो बच्ची किसी और की नहीं विशाखा की है और विशाखा एक नागिन है, इसलिए उसकी शक्तियां उसके पास आ चुकी हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है। ये जो खबर हमें प्रोवाइड कराई गई है IWM की तरफ से प्रोवाइड कराई गई है, जो कि काफी ज्यादा हद तक यहां पर सच न्यूज निकलती है उनकी, तो हम वही आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ पर तामसी डस लेगी माहिर को, यानी मिहिर को, और वो काफी ज्यादा हद तक यहाँ पर मिहिर घायल रूप में, यानी वो अपनी बातें और जो उसको याद होगा वो वश में आ जाएगा यहाँ पर तामसी के, और तामसी जो कहेगी वही करेगा मिहिर। अब मिहिर को बचाने के लिए अब श्रवणी को आगे आना पड़ेगा। अब आखिर में श्रवणी मदद कैसे करेगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको बता दें, क्लाइमैक्स की स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है नागमणि को लेकर। जो लोग नागमणि को पाना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, और जो यहाँ पर नागमणि को बचाना चाहते हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। यानी यहाँ पर एक तरफ होंगे बेला, मोनी रॉय, यानी यहाँ पर शिवन्या, शिवांगी और बाकी सब रहेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको नागमणि के जो दुश्मन है, जो उसे पाना चाहते हैं, वो देखने को मिलेंगे। उसकी प्रॉपर डिटेल हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बता दीजिएगा, कितने ज्यादा एक्साइटेड है आज के आने वाले शो को देखने के लिए वो भी बता दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए।